हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे रतन इंडिया के बारे में। क्या स्टॉक को खरीदना चाहिए, किस प्राइस पे खरीदना चाहिए, कितना डाउनसाइड है, कितना अपसाइड है, क्या इसका कुछ फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं या सिर्फ टेक्निकल बेस पे किसी ब्रेकआउट के बेस पे हमें खरीदना चाहिए, तो हम इसे डिस्कस करते हैं। ये पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी है रतन इंडिया, रतन पावर के नाम से, और रिन्यूएबल एनर्जी। आप देख सकते हैं ये काफ़ी आने वाला जो टाइम है इस सेक्टर का अच्छा रहने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी। तो आप देख सकते हैं इनका पोर्टफोलियो। रतन पावर इंडिया हैज ए सोलर पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 300 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, विच इंक्लूड्स ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स एज वेल एज रूफ टॉप सोलर। तो आप देख सकते हैं अच्छा एक पोर्टफोलियो है, अच्छा लैंड बैंक इनके पास है। रतन इंडिया ऑलरेडी ऑन 1100 एकर्स ऑफ लैंड एक्सक्लूसिवली फॉर सोलर एंड 300 एकर्स ऑफ एडिशनल लैंड एक्विजिशन इन पाइपलाइन। तो अच्छे एक सेक्टर में है, अच्छा ग्रोथ दिख सकता है। गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है रिन्यूएबल पावर, ग्रीन पावर इसके ऊपर, तो ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है। तो हम इसके बुक्स वगैरह भी देखेंगे क्या इसके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये एक पैनी स्टॉक नज़र आता है। आप यहाँ देख सकते हैं रतन इंडिया ग्रुप फॉर्मली नेम्ड इंडिया बुल्स पावर। ये पहले आपने नाम सुना होगा इंडिया बुल्स पावर का, तो पहले इंडिया बुल्स पावर था, अब इसे रतन इंडिया ग्रुप कर दिया गया है। ये बिजनेस कॉन्वर्टेड बिजनेस इंटरेस्ट इन पावर जनरेशन सीमेंट एंड माइनिंग। इनका जो अभी करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इट हैज करंटली इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ 2700 मेगावाट। तो आप देख सकते हैं इसे करंट प्राइस जो अभी चल रहा है, इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे 2:13 2:40 के आसपास चल रहा है 2% की तेजी के साथ। जो कल का प्रीवियस क्लोज जो था 2:35 था, आज ये शेयर 2:35 पे ओपन होता है। हाई 2:40 का है, लो 2:30 का है, तो एक रेंज में ही काम कर रहा है 10 पैसे की, 2:30 2:40 के बीच में। अगर मार्केट कैप देखें तो 1161 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC 2.19% की है, ROE माइनस के अंदर है इसकी। डेट एक मेजर कंसर्न है इसका, 9750 करोड़ का जो डेट है। जो इस फील्ड में कंपनीज हैं उनके ऊपर, सभी के ऊपर ही डेट है, बट वो डेट कैसे मैनेज करती हैं कंपनियां एसेट्स बनाने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में, तो वो एक मेन चीज़ होती है कि मैनेजमेंट कैसी है इनकी। तो डेट एक मेजर कंसर्न जरूर है इस स्टॉक का। फेस वैल्यू 10 की है, डिविडेंड पे नहीं करते हैं, और बुक वैल्यू भी देखेंगे तो माइनस के अंदर है। इसकी करंट प्राइस जैसे मैंने बताया 2:35 के आसपास अभी चल रहा है। शेयर ऑलमोस्ट अपने 200 DMA के आसपास ही काम कर रहा है, इससे ऊपर बना हुआ है और एक लो बेस ये बना चुका है। आप देखिए काफ़ी टाइम से एक बेस के ऊपर ये काम कर रहा है, जिसके हम चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे किस टाइप से इसको ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही कंपनी लॉस में ही है। पिछले 3 क्वार्टर में जो है इसने मार्च के, जून के और सितंबर के लॉस ही दिखाए हैं तीनों क्वार्टर के अंदर। दिसंबर 2019 का जो क्वार्टर था वो अच्छा गया था इसका, 1658 करोड़ का एक अच्छा प्रॉफिट इनके पास आया था। अगर आप देखें मार्च 2020 को, अगर ईयर भी कंपेयर करें पिछले कुछ सालों का, तो आपको नज़र आएगा कि कंपनी लगातार लॉस ही कर रही है हर साल। आप ऑलमोस्ट आप देखिए 2013 से -89 -101 664 आप देखेंगे कि लॉस ही कर रही है और लॉस बढ़ते भी गए हैं। बट मार्च 2020 में इसने पहली बार इसने यहाँ प्रॉफिट दिखाया काफ़ी सालों के बाद 165 करोड़ के आसपास का। तो डेट जो कंपनी के ऊपर है, मार्च 2010 में 201 करोड़ की जो हुआ करती थी, आप देखिए यहाँ पर 14000 करोड़ के आसपास की ये डेट पहुँच गई थी। मार्च 2018 में 14600 कुछ की डेट थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन्होंने रिड्यूस करना स्टार्ट किया। मार्च 2019 में 13800 के आसपास, देन मार्च 2020 में 11932 और सितंबर क्वार्टर में भी ये रिड्यूस होकर 10000 से नीचे आती हुई नजर आ रही है। डेट अगर ये रिड्यूस कर लेते हैं तो सेक्टर बहुत अच्छा है, पावर रिलेटेड सेक्टर है, रिन्यूअल का सरकार के ऊपर काफ़ी फोकस है। डेट अगर रिड्यूस होती है तो इंटरेस्ट बर्डन जो इनके ऊपर है वो भी रिड्यूस होती हुई आपको नजर आएगी। जो अभी ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप देखिए यहाँ पर 2800 करोड़ 2300 करोड़, ये इस टाइप के जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से प्रॉफिट में ही है।
बट जो इंटरेस्ट बर्डन है और डेप्रिसिएशन है, ये मिलाकर इसे माइनस में लेकर जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी के 29% के आसपास है, तो ये भी अच्छे आपको नजर आएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी अच्छे आ रहे हैं, मार्जिन भी अच्छे हैं, रिवेन्यूज भी ये ठीक ठाक ले रहे हैं, बट जो इंटरेस्ट बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये डेट को रिड्यूस करते हैं और कैसे ये रिड्यूस कर रहे हैं वो देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 54% से जो प्रमोटर का स्टेक है 39.33 हुआ है। FII का भी स्टेक देखिए 16% से 8% के आसपास हुआ है। DII का 3.72 से 16% के आसपास हुआ है, जो कि बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो छोटा स्टॉक है, आप एक चीज़ नज़र डालेंगे कि इसके अंदर FII और DII दोनों की हिस्सेदारी है, छोटी कंपनी है। आप देखिए कितना मार्केट कैप है इसका, 1161 करोड़ का मार्केट कैप है, बट FII और DII का दोनों का ही इंटरेस्ट इसके अंदर है। तो कहीं ना कहीं कुछ आने वाला टाइम जो दिखाता है कि इस स्टॉक के अच्छे दिन हो सकते हैं, ग्रोथ स्टोरी हो सकती है, टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। तो FII DII का होना इसके अंदर ऑलमोस्ट 25% के आसपास, तो काफ़ी मार्जिन्स हैं इसके अंदर। अगर पब्लिक की बात करें तो 35-36% जो है उसमें से 4.43% जो है इंडिया बुल रियल एस्टेट के पास है और 16% आदित्य बिरला के पास है। तो 16 और 4 20-21% जो है एक स्ट्रॉन्ग हाथों में नजर आता है। तो 13-14% जो है पब्लिक के पास शेयर्स हैं। तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो अच्छा है, FII और DII के नज़रिए से भी अच्छा है। सिर्फ एक डेट जो है वो एक मेजर कंसर्न है इसका, मार्जिन्स भी इसके अच्छे बने हुए हैं। एक और कंसर्न इसका है जो ये डेटर डेज हैं, ये काफ़ी हाई हैं 316 के आसपास। ये 316 अगर ये रिड्यूस होते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने 2 साल 120-120 के आसपास भी काम किया है, अगर ये 120 तक भी इसको लेके आते हैं तो इनको जो आगे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलती हैं नए नए प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, उसके लिए लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे और अपने पैसे को ही रिसर्कुलेट ये कर सकते हैं मार्केट के अंदर। और लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे तो इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बर्डन कम होती नजर आएगी। ये डेटर डेज जो है 316 बहुत ही हायर साइड में है, जो कि एक मेजर कंसर्न है कंपनी का। आप देखेंगे कुछ टाइम पहले की ही न्यूज है, बट रतन इंडिया सेल्स इंटायर सोलर पोर्टफोलियो ऑफ 306 मेगावाट टू GIP फॉर 1670 करोड़ की ये डील हुई थी, और इसका मेन पर्पज था अपना डेट को नीचे लाना। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको ये थोड़ी सी डेट रिड्यूस होती हुई जरूर नज़र आ सकती है। जो डेट ये रिड्यूस कर रहे हैं और भी इनके पास काफ़ी इस टाइप के पोर्टफोलियोज हैं, तो अगर मैनेजमेंट का फोकस डेट को रिड्यूस करने की तरफ है, जैसे हमने देखा बुक्स के ऊपर धीरे धीरे ये रिड्यूस हो भी रही है, तो अगर आने वाले टाइम में ये डेट को रिड्यूस कर लेते हैं तो एक अच्छी कंपनी ये बन सकती है। आप देख सकते हैं विद दिस डील रतन इंडिया नाउ हैज ओनली 2 पावर प्लांट्स इन इट्स बास्केट। अमरावती थर्मल पावर प्लांट 1350 मेगावाट का है, फॉर विच इट कंक्लूडेड डेट रिस्ट्रक्चरिंग इन दिसंबर 2019 में, और नासिक थर्मल पावर प्लांट 1350 मेगावाट का है, विच इज स्ट्रेस्ड एसेट। तो थोड़ा सा स्ट्रेस इसके ऊपर बिल्कुल बना हुआ है, तो आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से। 2700 मेगावाट के आसपास इनके पास अब 2 थर्मल पावर प्लांट्स बचे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं रिन्यूअल पावर के ऊपर इंडिया का काफ़ी फोकस है, गवर्नमेंट का फोकस है। इंडिया रैपिडली मूव्स टुवर्ड्स बिकमिंग वन ऑफ ग्रीन एनर्जी लीडर्स इन वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं ये 31 दिसंबर की ही न्यूज है, और आने वाले टाइम में रिन्यूअल पावर, ग्रीन पावर, ये जो है काफ़ी अच्छा फोकस होगा, काफ़ी अच्छा थीम होगा, और गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल इसके ऊपर है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 26 दिसंबर की न्यूज है, इंडिया टू गार्नर ₹1.75 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर रिन्यूअल एनर्जी सेक्टर। तो कहीं ना कहीं बूस्ट किया जा रहा है और इस सेक्टर को कहीं ना कहीं फंडिंग्स अच्छी मिलती हुई नजर आएंगी, काफ़ी फोकस है, तो इस शेयर के ऊपर भी नज़र बनाई जा सकती है। इस स्टॉक, ये जो स्टॉक है आप देखेंगे प्री कोविड लेवल, जो पहले कोविड के से पहले आप देखेंगे तो 2 रुपये 85 पैसे के आसपास ये स्टॉक काम किया करता था, जो कि कोविड के टाइम पर आप देखेंगे 1 रुपये के आसपास ये स्टॉक आ गया था। वहाँ से ये स्टॉक अच्छा रिकवर हुआ, और रिकवर होने के बाद इस स्टॉक ने यहाँ पर आप देखिए 4 रुपये 45 पैसे का भी लेवल टच किया, यानी आप देखेंगे 1 रुपये 5 पैसे से 4 रुपये 45 पैसे जाना, 4 गुना इन्वेस्ट वेल्थ को बनाना है, वो भी बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अंदर। वहाँ से स्टॉक क्या है, एक बार काफ़ी करेक्ट होता है, करेक्ट होने के बाद उसने एक बेस बनाया, और ये बेस बनता है हमारा
₹1.90 के आसपास। आप देख सकते हैं ₹1.95 का एक बेस बनाया है और यहाँ पर स्टॉक ने काफी टाइम निकाल लिया है और धीरे धीरे ये ऊपर चलने के लिए भी स्टार्ट हो रहा है। अगेन ये जो है सर्किट टू सर्किट जब चलता है तो बहुत जल्दी रिकवर करता है। तो आप देख सकते हैं कि ₹5 के लेवल को ये अगेन तोड़ सकता है क्योंकि अकोमोलेशन इस जोन के अंदर अच्छी हो रही है। अगर हम इसके वॉल्यूम्स को भी देखें, इस जोन के अंदर क्या वॉल्यूम्स इसके चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स आप देखिए बिल्कुल आपको पहले ड्राई दिखाई देगा, कहीं पर आपको वॉल्यूम्स वगैरह कुछ भी नजर नहीं आएंगे। और अब यहाँ देखिए किस टाइप से अकोमोलेशन हो रहा है और एक आपको हलचल यहाँ पर जरूर आपको दिखाई देगी, एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा, एक कंसोलिडेशन होती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर वॉल्यूम्स देखिए किस टाइप से हाई हो रहे हैं। तो समथिंग इज देयर, आप बिल्कुल इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। डाउन साइड इसके अंदर लिमिटेड है। फंडामेंटली अगर देखेंगे तो शेयर के अंदर बहुत ज्यादा अभी दम नहीं है फंडामेंटल के बेस के ऊपर। डेट हाई है, बुक वैल्यू माइनस में है, डेटर डेज बहुत ज्यादा हाई है, प्रमोटर होल्डिंग जरूर अच्छी नजर आती है, बट एक टेक्निकल टर्म्स के ऊपर देखें तो डाउनसाइड इसके अंदर लिमिटेड है। और रिस्की ट्रेडर्स के अंदर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि नीचे की डाउनसाइड लिमिटेड है और जब स्टॉक चलता है तो एक अच्छा चलता है, डबल ट्रिपल ये सर्किट टू सर्किट भी लगा सकता है और आने वाले टाइम में ₹10 के आसपास आपको इजिली जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम वॉल्यूम्स को एक बार हटा देते हैं, उससे पहले आप देखेंगे कि 2018 में जब सेबी के रूल्स आए थे म्यूचुअल फंड्स के लिए तो मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी करेक्शन हुई थी, सभी में हुई थी, इसके अंदर भी करेक्शन हुई। उससे पहले ये आप देखेंगे ₹10 के लेवल पे चलता था, ये देखिए ₹10 के लेवल के आसपास ये इजिली चलता था। तो ये लेवल ये अगेन अचीव कर सकता है। आप देखें वहां से 75% के आसपास का ये डिस्काउंटेड चल रहा है 2018 के लेवल से। अगर ये ₹10 को भी अचीव कर लेता है, ₹9.60 या ₹10 के आसपास, तो आपको इजिली 4 गुना ये पैसा बना के दे सकता है। बीच में रेजिस्टेंस जरूर आएंगे, ये ओवरनाइट या 2-3 महीने की स्टोरी नहीं है। अगर आप इसे 1-2 साल के लिए रखते हैं तो ये आपको यहाँ से 4 गुना पैसा इजिली बना के दे सकता है। और धीरे धीरे आप इसके जो डेट रिड्यूस हो रही है या फिर पावर सेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज है उसके ऊपर जरूर ध्यान रखिए। डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड अच्छी है इसके अंदर। इस स्टॉक को धीरे धीरे इस लेवल के ऊपर अकोमोलेट किया जा सकता है, ₹2 के आसपास आता है, बिल्कुल अकोमोलेट किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।